हेलो स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज 6.1 एंड वी हैव क्वेश्चन 4, क्वेश्चन ए ऑफ क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 का ए है हमारे पास 203 स्क्वायर माइनस 202 स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन के अंदर कि हमने फ्रॉम द प्रॉपर्टी जाएंगे हम लोग, ये क्या है एन है और ये है एन प्लस 1। तो हम लिखेंगे फ्रॉम दी प्रॉपर्टी। What is the property? n square minus n square, यानी n plus, ये तो n हो गया और ये n plus 1 square होता है हमेशा, n plus 1 plus n। It means, यानी ये और n तो ये है और n plus 1 ये, यानी ये और इसका दोनों का सम क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, सिंपल मतलब हो गया कि यानी 203 plus 202 को अगर मैं ऐड कर दूँ, 2 plus 2 5, 0 plus 0 0 और 4 0। Means, thus 203 माइनस 202 स्क्वायर विल बी 405, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिफ्थ का ए है आपके पास कि 729 दिया हुआ है। तो आप 729 का ये करना है आपको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये हमें मालूम है कि सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या होता है, बिकॉज सम ऑफ एन नेचुरल एन ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एन स्क्वायर। और दे कितना रखा है, ये दे रखा है, सो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 729। इसका मीन्स हो जाएगा एन की वैल्यू आ जाएगी 729, कितना हो जाएगा 729। और 729 किसका रूट होता है, 729 किसका रूट होता है, 729 रूट होता है, आप रूट निकाल के देख लें इसका, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये की है, एक यूनिट डिजिट, 2 का स्क्वायर होगा यानी 2, 4, ठीक है। अब यहाँ 7 ले लेता हूँ मैं, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया वो बिल्कुल ही परेशान मत होना, बिकॉज ये वाला जो मेथड है आपके, ये अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी जो हम 6.2 जब पढ़ेंगे हम, तो 6.2 के अंदर यही दे रखा है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा गया है। और किसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा गया है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा गया, मतलब दो मेथड होंगे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन और एक ये लॉन्ग डिवीज़न। तो ये हम वहाँ मैं आपको समझा दूँगा, लेकिन हमारे पास क्या है, n की वैल्यू आ गया 27, सो जो सम ऑफ हो जाएगा, सम ऑफ 27 ऑड नेचुरल नंबर, वो कैसे फाइंड कर लेंगे, 1, 3, 5, कैसे इसको हम इसको शो कर देंगे, 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 45 + 47 + 49 + 51 + 53 + 53। तो इस तरह से ये आपके 27 नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं। सिक्स आप बिल्कुल इजी है, परफेक्ट स्क्वायर सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, तो ये निकालना है। तो आप इसकी जगह 4441 को रख दोगे, फिर आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी, तो एक मिल जाएगा, उसके बाद उसका एन प्लस वन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से 7 हो जाएगा। 8 देखो, 8 का फर्स्ट देखो, 8 का फर्स्ट ईजी है, इसमें दे रखा राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपल एट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज सी। स्मॉलेस्ट जो मेंबर है वो दे रखा है 6। तो ये फाइंड करने का तरीका ये है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर
m इज़ ग्रेटर देन, फिर उसमें हम लिखते हैं 2m, पहला होता है 2m, दूसरा होता है m स्क्वायर माइनस और m प्लस 1 इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपल एड होता है. क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपल एड. इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि हम चेक करते हैं कि हम 2m को स्मॉलेस्ट नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर ही हो गया तो 2m इज इक्वल टू 6, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, 3, यानी m की वैल्यू हमें ये मिल गई 6, तो यानी जो अदर हो जाएंगे जो, ठीक है, m की वैल्यू आ गई. इसके बाद हम m स्क्वायर माइनस 1 कर लेंगे, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 8, 9 माइनस 1 यानी 8, एंड m स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10. हैंस द ट्रिपल एट इज 6, 8 और 10. तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 है. अगर अभी भी किसी को डाउट होते हैं तो वो स्कूल में आके मुझसे पूछ सकता है, रजिस्टर होंगे रजिस्टर से पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 6.2 डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हमारे को स्क्वायर रूट निकालने का है, तो हम 6.2 डिस्कस करेंगे. ओके.